वाह यार, ट्रेलर देख के मज़ा आ गया। मैंने इस ट्रेलर को देखने से पहले इस मूवी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी और अब जो है मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस मूवी का ट्रेलर को देख के मुझे लगता है कि 100% ये हॉलीवुड मूवीज़ को टक्कर देने वाली है। इवन ये भी हो सकता है कि ये हॉलीवुड मूवी से आगे निकल जाए। जिसको भी नहीं पता भाई, मैं बात कर रहा हूँ कल की मूवी के बारे में। तो भाई ट्रेलर को लॉन्च हुए 24 घंटे के आसपास हो चुके हैं और जिसमें अभी तक 22 मिलियन व्यूज हैं और ट्रेलर जो है अप्रॉक्स 3 मिनट का देखने के लिए मिलता है। जब मैंने फर्स्ट बार ट्रेलर देखा तो मुझे स्टोरी कुछ और लगी और सेकेंड बार मैंने फिर से क्लियर करने के लिए देखा तो भाई मुझे लगभग स्टोरी जो है समझ में आ चुकी है कि आखिरकार कल की मूवी में क्या होने वाला है। दोस्तों फटाफट बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर की शुरुआत में हम लोगों को भाई दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। दुनिया का पहला शहर और आखिरी शहर सिर्फ काशी बचा हुआ है और हम इंडियंस को पता है कि भाई काशी कहां है। और साथ में यह भी पता चलता है कि दुनिया में खाने पीने की कमी हो रखी है जिसके लिए सारे लोग जो है काशी में आना चाहते हैं। और यहां पे मूवी के विलन को भी अच्छे से डिस्क्लोज कर दिया गया है जहां पे भाई मूवी के विलन का नाम है सुप्रीम यास्किन करके, जो कि भाई कॉम्प्लेक्स नाम की जगह पे रहता है जहां पर हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। जैसे कि सभी लोगों को पता ही होगा कि भाई कल की मूवी जो है हिंदू मैथोलॉजी से जुड़ी रहने वाली है। तो मूवी में हम लोगों को अश्वत्थामा भी देखने के लिए मिलने वाला है जिसका रोल अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं। और जैसे ही अमिताभ बच्चन का सीन आता है तो मैं एक चीज सोच रहा था, मोस्ट ऑफ इंडियंस ने महाभारत देख रखी होगी। कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा भाई अश्वत्थामा की मणि को तोड़ देते हैं, बट भाई अश्वत्थामा की मणि जो है हम लोगों को इस मूवी में क्लियरली दिखाई गई है। इवन भाई उसके माथे के ऊपर भी चिपकी हुई है। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई मूवी के रिलीज होने के बाद ये वाला जो सीन है काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में फंसने वाला है। ट्रेलर के आने से पहले मैं सोच रहा था कि प्रभास ही यहां पे कल्की अवतार है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग गौर करोगे तो भाई यहाँ पे अश्वत्थामा के पास सुपर नेचुरल पावर है, कितने 7-8 बंदों को अकेले मार रहा है और दूसरी तरफ प्रभास जो है अपनी गाड़ी के साथ अपने एआई के साथ भाई लोगों को मार रहा है। अगर वो सच में कल्की अवतार होता तो भाई उसके पास सुपर नेचुरल पावर होती, क्योंकि भगवान का अवतार है तो पावर होंगी ही, बट ऐसा कुछ खास हम लोगों को देखने के लिए मिला नहीं। तो इससे तो ये समझ में आ जाता है कि प्रभास जो है कल्की अवतार नहीं है। पर यहाँ पे मुद्दा ये है कि कल्की अवतार है कौन। घबराओ मत, इसका भी आंसर मैं देता हूँ। अगर आप लोग ट्रेलर की शुरुआत में गौर करोगे तो भाई दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है और यहाँ पे अश्वत्थामा बोलता है जिसे तुम जन्म देने वाली हो वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं होगा, भाई उसके पास पावर्स होंगी। और साथ में अश्वत्थामा उस छोटे बच्चे को भी बोलता है कि मैं यहाँ सिर्फ एक ही बंदे को बचाने के लिए आया हूँ और ऑफ कोर्स वो कल्की ही होगा। और अभी तक दीपिका पादुकोण ने उस बच्चे को जन्म नहीं दिया है, इसलिए अश्वत्थामा जो है दीपिका पादुकोण की रक्षा करेगा। दूसरी तरफ विलन जो है दीपिका पादुकोण को चाहता है। विलन ने दीपिका पादुकोण को पकड़ने का काम एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया है और यहाँ पे आप गेस कर सकते हो कि भाई वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है। हाँ भाई, प्रभास ही होने वाला है। प्रभास जो है ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लेता है, पूरे शहर में जो भी मुसीबत में हो, जो भी उसे पैसे देता है वो सबके लिए काम करता है। विलेन प्रभास को पैसे देगा और बोलेगा दीपिका पादुकोण को पकड़ो। और दूसरी तरफ अश्वत्थामा ने दीपिका पादुकोण की रक्षा करने के लिए वचन दिया है। तो अब जो है अश्वत्थामा और प्रभास जो है आपस में लड़ेंगे। यही सेम सीन हम लोगों को मूवी के ट्रेलर में देखने के लिए मिलता है। तो भाई इससे क्लियरिफाई हो जाता है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं तो सेट बैठ ही रहा है। और साथ में एक और बात क्लियर हो जाती है कि अभी तक अगर कल्की पैदा नहीं हुआ है तो भाई आई एम प्रिटी श्योर इस मूवी का हम लोगों को सेकंड पार्ट भी देखने के लिए मिलेगा जिसमें कि भाई कल्की पैदा होगा। तो शायद उस मूवी में हम लोगों को प्रभास और अश्वत्थामा एक ही तरफ से लड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं पूरी मूवी के ट्रेलर में सिर्फ एक ही जगह पर निराश हुआ और वो था जब भाई दिशा पटानी जो है प्रभास से मिलती है। और भाई ये सीन देख के मुझे लगा कि क्या है, मजा बिगाड़ दिया। और दिशा पटनी को देख के लगता है कि प्रभास की लव इंटरेस्ट जो है दिशा पटनी रहने वाली है। शायद यहाँ पे दिशा पटनी किसी वजह से मर जाएगी। उसके बाद प्रभास और दीपिका पादुकोण का चक्कर चलना स्टार्ट हो जाएगा। भाई ये सारी चीजें दिखाई नहीं है पर मुझे ऐसा लग रहा है। तो साथ में मूवी में लगभग जो कास्ट है भाई साउथ इंडस्ट्री की देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे एक ही दो कास्ट जो है बॉलीवुड की देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और दिशा पटनी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि कल की मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह की रहने वाली है। आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन है या फिर मैंने कुछ गलत गैस कर लिया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो।